सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y28e डिवाइस के अंदर अपने फोन के अंदर अपने कीबोर्ड टच वाइब्रेशन को ऑन कैसे करेंगे। गाइस कि आप कुछ भी कीबोर्ड में टाइप करते ही रहो तो उसमें जो वाइब्रेशन आती है वो लाइक फील एक इंटरेस्टिंग देता है। अगर आपको ट्राई करना तो कर सकते हो और ये अदर लोकेशन से भी काम करता है। एक छोटा सा डेमो करते हैं एंड आपको दिखाते हैं इस सेटिंग को एनेबल एंड यूज कैसे करते हैं। वेल गाइस इसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने फोन सेटिंग को, देन स्क्रॉल डाउन करके इसमें नीचे आना, एक सेटिंग्स होगी साउंड एंड वाइब्रेशन, ध्यान रखना आपने इसको ओपन करना है। मैंने नोटिफिकेशन प्रेस कर दिया, साउंड एंड वाइब्रेशन को प्रेस करना, स्क्रॉल करके नीचे आना। इसमें एक सेटिंग्स आपको मिल जाती है टच वाइब्रेशन करके, ये जो सेटिंग्स है ये टच वाइब्रेशन ये हैप्टिक वाइब्रेशन सेटिंग्स है। अगर नीचे देखेंगे हैप्टिक फीडबैक फॉर टैप कीबोर्ड एंड माउस फंक्शंस, ये अगर आप किसी टेक्स्ट को कॉपी करके किसी अदर लोकेशन पर भी पेस्ट करते हैं तो वहां पर भी ये वाइब्रेट करता है। तो अगर ये सेटिंग से इनेबल नहीं है, डिसेबल है, तो जस्ट आप यहां से टर्न ऑन करेंगे और आपके फोन में ये इनेबल हो जाएगी। एक चीज का और ध्यान रखना, अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्स वगैरह का कीबोर्ड एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें वाइब्रेशन नहीं आती, तो इसके बाय डिफॉल्ट कीबोर्ड को एक्सेस करना होगा, तभी आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे।